हटिला प्लाज्मा थेरापी। प्लाज्मा थेरापी प्रभावशाली नुहे, कोरोना रोगीक नुहे फलप्रद। आईसीएमआर एम्स तरफ आसला नुआ गाइडलाइन। कोरोना संकट मध्य प्लाज्मा थेरापी को नहीं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ओ एम्स बड़ निष्पत्ति नहींचंती। कोरोनार चिकित्सा रु प्लाज्मा थेरापी को हटाई दिया जाइछि। ए संपर्क रे एम्स ओ आईसीएमआर पक्षरु नुआ गाइडलाइन मध्य जारी करा जाइछि। स्वास्थ्य विशेषज्ञ मतरे प्लाज्मा थेरापी प्रभावशाली नुहे, अनेक क्षेत्र रे एहा भूल प्रमाणित होइछि। प्लाज्मा थेरापी रो विशेष लाभ नाही एवं एहा एक महंगा प्रक्रिया बोली आईसीएमआर वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर समीरन पांडा सूचना देछंती। एहा रोगी को विशेष सहाय होउनतिबा बेले हेल्थ केयर सिस्टम उपरे बोझ बढ़ुछि। एहा पूर्वरु कोविड 19 संपर्कित आईसीएमआर नेशनल टास्क फोर्स रो बैठक रे मध्य समस्त सदस्य एही पक्ष रे थिले जे प्लाज्मा थेरापी को कोरोना चिकित्सा पद्धति रु हटा जिबा उचित। सेमानकर कहिबार उद्देश्य थिला कोरोना थेरापी रो विशेष प्रभाव नहीं एवं एहा को अनुचित भावरे व्यवहार करा जाउछि। देखिए, आप जैसे जान रहे हैं कि एक दिन एक गाइडलाइन है, एक दिन दूसरी गाइडलाइन है, तो ये डिजीज इज इन द फेज ऑफ इवोल्यूशन। एक वेरिएंट दूसरा आ जाता है, उसमें वो ट्रीटमेंट कारगर नहीं होता है। तो ये जो सिर्फ एक गाइडलाइंस है कि हाँ आज की डेट में ऐसा है, कल ऐसा था कि उसका ऑफ लेबल यूज था, तो वी हैव ए कंसिडर्ड ओपिनियन कि जितने भी अभी ये ट्रीटमेंट है, चाहे वो रेमडेसिविर हो, टॉसिलीजुमैब हो, वो एक्सपेरिमेंटल है, ऐसे प्लाज्मा ऑफ लेबल है, अगर क्लिनिशियन को लगता है कि मॉडरेट डिजीज में ऑक्सीजन सेचुरेशन कम है और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पेशेंट को प्लाज्मा देने से कम होती है, तो क्लिनिशियन में यूज इट एल्बिट, क्योंकि इसको नेशनल गाइडलाइन से हटाया गया है, तो पेशेंट की अटेंडेंट की कंसेंट लेना होगा। ये आईएमए का व्यू पॉइंट। डोनर का प्लाज्मा रे गुणवत्ता व मान समान न थाए। एहा छणा प्लाज्मा रे एंटीबॉडी रो मात्रा मध्य अधिक संख्या रे रहिबा दरकार, जहां संभव हेउनी। पूर्वरु दिया जाइतिबा निर्देशावली अनुजाई जदि प्रारंभिक व मध्यम रोगर अवस्था रे अर्थात लक्षण आरंभ हेबार 7 दिन मध्य रे प्लाज्मा उपलब्ध थिले प्लाज्मा थेरापी रो ऑफ लेबल अनुमति दिया जाइतिला, तेबे एहा विशेष फलप्रद न हेबारु डॉक्टर एवं वैज्ञानिक एहाकु हटाइबा कु दाबी करथिले। रिपोर्ट अनुजाई विशेषज्ञ मतरे 11,588 रोगी उपरे प्लाज्मा थेरापी परीक्षा करिबा परे एहा जणा पडिछि एहा द्वारा रोगी मृत्यु संख्या रे कोनोसी परिवर्तन घटिनै। एबे कोविड चिकित्सार अन्यान्य पद्धति विकसित हेबा परे प्लाज्मा थेरापी हटाई जीवा परे मध्य कोनोसी समस्या सृष्टि हेबो नै बोली आशा करा जाउछि। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।